के लहलहाते खेत या सांझा चूल्हा, 90 के दशक की फिल्मों पे अपनी गहरी छाप रखने वाला ये राज्य अपनी जिंदादिली और प्यार के लिए भी बहुत जाना जाता है। भांगड़ा, बैसाखी, जी अब मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, 5 नदियों वाला पंजाब। आज हम बात करेंगे पंजाब की, पंजाब के आर्ट की, फुलकारी आर्ट। पंजाब का ये एक फोक आर्ट है जिसके अंदर ज्यादातर फ्लोरल वर्क किया जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही जाना जाता है। फुलकारी आर्ट में फूलों को उनकी ज्योमेट्रिकल शेप्स में दिखाया जाता है, गहरे चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जब घर में बच्ची पैदा होती है, बेटी पैदा होती है, तो ये एक भेंट स्वरूप आने वाली पीढ़ी को दिया जाता है। माना जाता है कि वो आगे जनरेशन को चलाने वाली है, ये उसका एक सम्मान है। फुलकारी आर्ट यहाँ की, खासतौर पे तो वैसे कपड़ों पर होता है, लेकिन यहाँ की पेंटिंग्स में भी यहाँ के जो दैनिक जीवन, यहाँ की खूबसूरती को जो दिखाया जाता है, उनके गहने और उनके ऊपर की गई फुलकारी को ज़्यादातर दिखाया जाता है। फुलकारी का काम घर की दैनिक सजावट की चीज़ों पर भी किया जाता है। ये अपनी एक गहरी पेठ इस राज्य में रखती है। जब यहाँ की ये ओढ़नी ओढ़े कोई सोनी निकल कोड़ी निकलती है तो दिल के उठता है देश बुलाए रे। तभी तो कहा जाता है इंडिया बिगिंस हियर। अगली बार पंजाब में जब आप भांगड़ा पाने जाएं तो फुलकारी आर्ट जरूर ओढ़कर आइएगा। मेरे साथ अगले शनिवार फिर मुलाकात होगी। आर्ट इज प्रेजेंटेड बाय सेवा। टिल देन गुड बाय।